अनिशा खान, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। अभी आप जैसे देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना सेलमपुर क्षेत्र के अंदर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो पूरी जुलूस की तैयारी चल रही है। यहां से ताजिए निकालने शुरू हो गए, बच्चों की जो है किस तरह से देख रहे हैं। जिस तरह से आपको यहाँ से हमारे 100 कदम की दूरी से ताजिए दिखाई दे रहे हैं और सभी क्षेत्रों से ये ताजिए आ रहे हुए बनाए हुए।
सजावट कर रहे हैं, सुबह से हम लेके घूम रहे हैं। कब से निकले हुए हैं इसको लेकर के? एक बजे से। और आप कहाँ जा रहे हैं? वेलकम जाएंगे, वेलकम के अंदर। वेलकम जो है ये कब्रिस्तान है, इसमें जा रहे हैं इनको। और ये साथ में कुछ छोटे से छोटे छोटे हैं, इस तरह से इनको देखते हुए। लगभग यहाँ पे बहुत सारे ताजिए जो है वो सारे क्षेत्रों से आकर के इकट्ठे हो चुके हैं, और ये अब इसमें जो है कब्रिस्तान में जाने के लिए करबला में तैयार है। और कहाँ से लाए ये वाला? दिल्ली मंडी से। आप हटिए आगे से, हटिए यहाँ से। जी कहाँ से है ये ताजिया? ये जाफराबाद का ताजिया है, छोटा सा ताजिया। और देख सकते हैं आप कितने खूबसूरती से इसको जो है तराशा गया है, बनाया गया है, और बड़ी ही खूबसूरत कला इसमें देखने को मिलती है। ये बड़ी मेहनतों से और बड़ी उससे तैयार किए जाते हैं, और सुबह से ये लोग इसको लेके घूम रहे हैं। आप लोगों ने बनाए हैं? आप लोगों ने बनाए हुए हैं? आप बनाए थे? हमने सबने मिलके बनाया। बड़ी मेहनत कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हमने सबने मिलके मिलाया इसको। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं मिलके बनाया। हाथ पीछे रखिए, देखिए किस तरह से ताजिया, और साथ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पे ट्रैफिक और ताजियों को कंट्रोल करते हुए। एक साइड पे देख रहे सकते हैं जैसे जुलूस निकल रहा है, और दूसरी साइड पे ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया हुआ है पूरी तरह से। यहाँ पे जो है पुलिस से अपने प्रशासन अपने मुस्तैदी में है, किसी भी तरह की यहाँ पे कोई ऐसी घटना को नहीं देखा जा सकता है। बड़ा ही शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है।